शहर के मंजोला थाना क्षेत्र में एक घर में 16 सितंबर को चोरी हो गई थी। इस संबंध में पीड़ित गृह स्वामी ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी, मगर अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए चोरी का खुलासा करने की मांग की है। साथ ही नौकरानी पर घर में चोरी करने का शक जताते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। मंजोला थाना क्षेत्र के चौकी बस्ती के रहने वाले आकाश सैनी अपनी माँ के साथ आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि 16 सितंबर की रात्रि में उनके घर में चोरी हुई थी। अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। इस संबंध में थाना मंजोले में भी मुकदमा दर्ज कराया गया, मगर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आकाश सैनी ने कहा कि उनके घर में चोरी से एक दिन पहले क्षेत्र की रहने वाली आरती ने घर में साफ सफाई का कार्य किया था। उन्हें नौकरानी आरती पर ही घर में चोरी करने का शक है। हमने इस संबंध में मंजोला थाना पुलिस में भी शिकायत की, मगर पुलिस ने अभी तक आरती से कोई भी पूछताछ नहीं की है। हमें पूरा शक है कि आरती ने ही हमारे घर में अपने पति और भाइयों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आकाश सैनी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में कार्यवाही की मांग की है। एसएसपी कार्यालय जी, हमारे घर चोरी हुई थी 15 तारीख को, उसके लिए आए। 16 तारीख की रात को हुई थी। सारे जेवरात घर के चोरी हो चुके हैं। सारा शक हमें कामवाली पे है। एक दिन पहले कामवाली को बुलाया था, उसने अगले दिन भाप लिया था, उसने करी है चोरी। कार्रवाई, सारे जेवरात थे, हार सोने की चैन, चूड़ियाँ सोने की, मंगलसूत्र चूड़ियाँ सोने की, 5-6 लाख की चोरी हुई है। शिकायत करिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। एसएसपी कार्यालय आए हैं जी, अभी एफआईआर दे रहे हैं अभी, और सर चौकी बस्ती चौकी रामतलिया थाना मंझोला जी, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, चोर पकड़ा जाए, सुनवाई हो हमारी। क्या समस्या आपकी, क्यों आपको इनके साथ में आई हूँ काका मैं? इनकी चोरी हुई है 16 तारीख की रात को, बृहस्पति दिन काम वाली आती है, कुछ रात को चोरी हुई है, कोई भी इनकी सुनवाई नहीं आ रही। और जो थाने भी गए हैं, चौकी गए हैं, कोई भी कहते हैं हो रहा है, कोई भी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी यही विनती है